नमस्कार, स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम कियामपुर में एक महापौर फर्जंद के यहाँ बदमाशों ने उसके परिवार को बंधक बनाकर करीब 12 लाख रुपए की सोने चांदी के आभूषण लूट लिए थे, जिसके बाद एसएसपी ने इसके खुलासे के लिए कई टीमें लगा दी थी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए दो लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके द्वारा लूटी गई 2 लाख रुपए की पीली धातु के आभूषण व ज्वेलरी बरामद की है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। वहीं बाकी घटना में सम्मिलित 3 बदमाशों की तलाश जारी है। वारदात का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि 21/22 की रात को थाना चरतावल क्षेत्र में कयामपुर गांव में एक घटना हुई थी, जिसमें एक घर में कुछ बदमाश घुसे थे और वहां से जेवरात वगैरह वहां से लूट के ले गए थे। और इसी घटना के संबंध में थाना के पुलिस SOG और अलग से जो हमारी टीमें हैं सर्वलांस वगैरह की, सभी इसमें लगी हुई थी। और कल इस घटना में जो लोग संलिप्त थे उनमें 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इनके नाम है मुजम्मिल पुत्र मोहम्मद, सालिक पुत्र जाहिद जो कि जनपद शामली के रहने वाले हैं, और इनके 3 साथी और हैं जो कि घटना में शामिल थे। और इनके पास से हमें जो घटना में जो इन्होंने वारदात के समय जो लूट करी थी वो कुछ सामान भी बरामद हुआ है। और इनका जो पुराना क्रिमिनल इतिहास है, इसमें जो मुजम्मिल है उसमें करीब 18 से ऊपर मुकदमे अन्य जनपदों के भी पंजीकृत हैं। और जो इसमें एक आदमी जो जाबिर जिसका नाम है, जो कि इनका गैंग लीडर है, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। वो इनका गैंग लीडर था और वो काफ़ी डकैती की घटना में पहले भी जेल गया है और वो जनपद शामली का ही रहने वाला है। अभी हम इनसे और पूछताछ कर रहे हैं कि इन्होंने और कहां कहां घटना की है और इस घटना में इन्होंने क्या रैकिंग की थी, क्या प्लानिंग करी थी, उसके लिए हम सर पूछताछ में कितने लोग बताए गए हैं? इन्होंने बताया कितने लोग शामिल थे टोटल? इन्होंने 5 लोगों का नाम। रैकी में कितने लोग थे, क्योंकि इतनी बड़ी डकैती एकदम से? रैकी जैसा कि मैंने बताया, जो इनका मेजर जो गैंग लीडर था वो जाबिर है, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो उससे अभी पूछताछ नहीं। जाबिर कहां का रहने वाला? जाबिर शामली का रहने वाला। सर कितने लूटे, कितने बरामद हुए उस समय? क्योंकि उनके यहाँ जो वादी ने बताया था कि जो बहन की शादी अभी हुई थी हाल ही में, तो ज्वेलरी वगैरह रखी हुई थी, कैश कुछ गया नहीं था। ज्वेलरी कुछ जो वादी को भी दिखा दिया गया है, वादी ने आइडेंटिफाई भी किया है, ये कुछ ज्वेलरी है और बाकी जो ज्वेलरी है बाकी साथियों के। ठीक है।